आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा शर्मा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। खबर है बिहार से। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा सेना में अनुबंध प्रणाली लाने वाली अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लेने के सवाल पर बिहार के छात्रवाद संगठन आईएसआई नौ रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने मोर्चा ले लिया है। आपको बताते चले कि इन संगठनों ने मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं का मजाक उड़ाने वाली इस योजना को वापस नहीं लेती है तो 18 को यानी कि कल बिहार बंद और फिर भारत बंद की ओर बढ़ेंगे। वहीं आरजेडी ने भी 18 जून को यानी कि कल बिहार बंद होने का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि सेना भर्ती जवान मोर्चा के संयोजक राजू यादव इनोस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ अग्नि आव विधायक मनोज मंजिल आयसा के महासचिव पालीगंज विधायक संदीप सौरभ इनोस के सम्मानित बिहार राज्य अध्यक्ष हुआ डुबराव विधायक अजीत कुशवाहा इनोस के राज्य अध्यक्ष आफताब आलम राज्य सचिव शिव प्रकाश रंजन आयसा के राज्य सचिव शबीर कुमार और राज्य अध्यक्ष विकास यादव ने आज संयुक्त बयान जारी करके उक्त बातें कही। आपको बताते चले कि छात्र युवा नेताओं ने कहा कि यह योजना एक तरफ युवाओं के साथ क्रूर मजाक है तो वहीं दूसरी ओर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सेना की पूरी संरचना को तहस नहस करने वाली इस योजना को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी इसकी खुलकर मुखालफत पर उतर आए हैं।